हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। शुरुआत करने से पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, अ रिसेंट स्टडी हैज रिवील्ड द इंट्रिंसिक प्रेजेंस ऑफ विच रीजन ऑफ स्पेस अराउंड मार्स दैट शील्ड इट्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रिपिंग इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड। हाल ही में एक अध्ययन में मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष के उस क्षेत्र की आंतरिक उपस्थिति का पता चला है जो सौर वायुमंडल के अलग अलग प्रभाव से अपना वातावरण बनाता है। यह आपके ऑप्शन है, आंसर मिला कमेंट सेक्शन और इसका सही आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है, आज का मोटिवेशन है डू व्हाट शुड बी डन, योर टुमारो मे नेवर कम। आपको जो कुछ भी करना है आप उसको आज से ही शुरू कीजिए, आज से ही करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको कल पर टालेंगे तो हो सकता है कल शायद कभी नहीं आए और डेफिनेटली कल कभी आता भी नहीं। इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, ये मैं आपको करा चुका हूं कल। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिमादास इंडक्टेड एज डीएसपी इन विच स्टेट पुलिस, हिमादास किस राज्य की पुलिस में डीएसपी के रूप में शामिल हुई है। ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हिमादास को डीएसपी की शपथ दिलाई है। ये द मिंट का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। हिमादास कौन है, एशियन गेम की जो गोल्ड मेडलिस्ट है हिमादास। अब आपको मुझे ये बताना है कि हिमादास किस खेल की प्लेयर है, कौन सा खेल ये खेलती हैं? आंसर में कमेंट सेक्शन। चलिए आसाम को एक बार भारत के मैप पर देख लेते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है एंड राइट हियर ये आसाम है। ये बड़े मैप पर आसाम को देख लीजिए। अब आपको मुझे बताना है कि आसाम की कैपिटल क्या है एंड आसाम के गवर्नर कौन है, आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। अगला प्रश्न क्या है, नेम द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएनस यानी कि यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, उस भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिगिया नोरोना। लिगिया नोरोना को यूएन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये है लिगिया नोरोना, ये द प्रिंट का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा। ये आपके ऑप्शन है एंड इसका सही आंसर ऑप्शन ए इमरान खान बिल्कुल नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस अवार्ड को जीतेंगे, इस अवार्ड, ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया जाएगा। ये द न्यू इंडिया एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एस्टेब्लिश्ड, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1957 इसकी स्थापना की गई थी। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। अच्छा, आईएसईई की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो आपको बताना है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो कि पूर्व आईएएस है वो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के चीफ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीज फायर वायोलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ग्रू अप फ्रॉम जस्ट 4 इन 2004 टू 583 इन 2014 टू विच नंबर इन 2020। 2004 में जो सीज फायर थी वो 4 थी, 2014 में वो बढ़कर 583 हो गए, तो अब आपको बताना है कि 2020 में वो बढ़कर कितने हो गए हैं। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5133 सीज फायर वायलेशंस हो गए हैं। अब ये बात हो रही है एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, एलएसी की बात नहीं हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात नहीं हो रही, ये इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है तो एलओसी की बात हो रही है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स इन इंडिया, भारत में डिजिटल समाचार प्रकाशकों का सबसे बड़ा संग्रह कौन सा है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिगीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन।
डी पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन सबसे बड़ा संग्रह है डिजिटल न्यूज का। ये द हिंदू का आर्टिकल है एंड आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एयरक्राफ्ट वर यूज बाई यूएस इन इट्स एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन बैक्ड मिलिशिया इन ईस्टर्न सीरिया। पूर्वी सीरिया में एक ईरानी समर्थक मिलिशिया के खिलाफ अपनी हवाई हमले में अमेरिका ने किस विमान का इस्तेमाल किया था। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनल्ड डगलस F-15E स्ट्राइक ईगल को उन्होंने यूज किया था। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट का ही एक स्नैप है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, नेम म्यांमार एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के राजदूत का नाम बताइए। चलिए मैं इसको पूर्ण कर देता हूं, पूरा कर देता हूं क्वेश्चन। ये वही एम्बेसडर है म्यांमार के जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है उसके खिलाफ बोला था और यूएन से अपील की थी कि वो इंटरफियर करें और उसके बाद म्यांमार ने इनको एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्यू मोटुन। क्यू मोटुन म्यांमार के एम्बेसडर थे यूएन में जिनको हटा दिया गया है जब उन्होंने बोला था म्यांमार के अगेंस्ट जाके कि वहां पर जो तख्ता पलट हुआ है उसके लिए यूएन इंटरफियर करे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक बार म्यांमार को लोकेशन पर देख लेते हैं। ये हमारी अर्थ एंड ये हमारा प्यारा भारत। अगर हम यहां से ईस्ट की साइड जाएंगे तो ये यहां पर है म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अ रिसेंट स्टडी हैज रिवील्ड द इंट्रिंसिक प्रेजेंस ऑफ विच रीजन ऑफ स्पेस अराउंड मार्स दैट इन सील्स इट एटमोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रिपिंग इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड। ये आज का क्वेश्चन है एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एक अध्ययन में मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष के उस क्षेत्र की आंतरिक उपस्थिति का पता चला है जो सौर वायु के अलग अलग प्रभाव से अपना वातावरण बनाता है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटोस्फीयर का पता चला है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस whose tenure was extended by central government recently. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया था। यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पीसी मोदी। पीसी मोदी का कार्यकाल अब बढ़ा के 31 मई तक कर दिया गया है और ये तीसरा एक्सटेंशन है मिस्टर मोदी का। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और जो ये मोदी जी हैं, जो पीएस मोदी है, ये आईआरएस थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये हमारे एक और पड़ोसी देश का है, बांग्लादेश का है। डजन्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड व्हेन बांग्लादेशी पुलिस रेन टियर गैस एंड रबर बुलेट्स ऑन थर्ड डे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेथ ऑफ विच प्रोमिनेंट ऑथर एंड क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट। बांग्लादेशी पुलिस द्वारा किस प्रमुख लेखक और सरकार के आलोचक की जेल में मौत के कारण जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके तीसरे दिन आंसू गैस और रबर बुलेट दागे जाने के कारण दर्जनों लोग घायल हो गए थे, तो आपको उस ऑथर का नाम बताना है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद की जो जेल में मौत हुई थी उसके कारण जो विरोध प्रदर्शन हुआ है तो उसके तीसरे दिन आंसू गैस और रबर की बुलेट दागी गई थी। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए बांग्लादेश को भी देख लेते हैं, ये हमारा प्यारा भारत एंड राइट हियर। चलो देख लेते हैं एक बार दोबारा, रुको, ये हमारा प्यारा भारत है एंड ये जो है ये लोकेशन है, ये बांग्लादेश है। अगला प्रश्न क्या है, रिसेंटली इसरो लॉन्चेड ब्राजील सैटेलाइट एंड 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स। 5 ऑफ दीज को पैसेंजर सैटेलाइट्स आर फ्रॉम इंडिया। आपको सिंपली बताना है कि जो बाकी 13 सैटेलाइट है वो किस देश को बिलोंग करती हैं। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बाकी 13 सैटेलाइट हैं। इसमें ब्राजील की भी एक सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, उसके अलावा जो 5 सैटेलाइट है वो इंडिया की है, बाकी 13 सैटेलाइट किसकी है, बाकी 13 सैटेलाइट है यूएसए की। चलिए आगे चलते हैं, अब अमेजोनिया 1 की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या अमेजोनिया 1 की जो लाइफ है वो 6 ईयर्स है। अमेजोनिया 1 जो है वो पहला ब्राजीलियन सैटेलाइट है
जिसकी जिस जो लॉन्च किया गया है कहां से, इंडिया से, या फिर अमेजोन या वन जो है वो मॉनिटर करेगा, जो अमेजोन रीजन के डिफॉरेस्टेशन है उसको मॉनिटर करेगा। तो इसका इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो आंसर नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है, अमेजोनिया वन हैज अ मिशन ऑफ 6 ईयर, ये गलत है, क्योंकि अमेजोनिया वन की जो लाइफ है दैट इज 4 ईयर्स। बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ये द हिंदू का आर्टिकल है। एंड अमेजोनिया वन की जो मिशन लाइफ है, आप यहां देखिए, अमेजोनिया वन विद अ मिशन लाइफ ऑफ 4 ईयर्स विल मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन रीजन। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। इस वीडियो में हमने 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करे हैं, और अगर कुछ रह गए होंगे तो वो भी मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तब चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।